हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही हंसी खुशी होंगे। और इस वीडियो में क्लिक करने के लिए बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि आपको जानना है कि प्राइमर का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं। तो एक्चुअली बहुत दिनों तक मैं भी यही सोच रही थी कि प्राइमर का ऐसा कुछ एज सच कुछ यूज़ नहीं है, हम अगर क्रीम लगाते हैं फिर फाउंडेशन लगाते हैं तो हमारा सारा काम हो जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। प्राइमर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप थोड़ा बहुत भी मेकअप करते हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप के लिए ही प्राइमर चाहिए, अगर आप थोड़ा बहुत भी मेकअप करते हैं ट्रस्ट में, तो आपको प्राइमर जरूर यूज़ करना चाहिए। प्राइमर जो होता है वो हमारे स्किन में एक बैरियर के तौर पे काम करता है, कि मतलब जो आप हैवी फाउंडेशन हैवी क्रीम कुछ भी लगा रहे हैं तो उसको स्किन के पोर के अंदर सिंक करने नहीं देता। अगर आप प्राइमर यूज नहीं करते और सिर्फ मेकअप करते हैं तो उससे आपकी जो ब्रेकआउट्स हैं, आपकी जो स्किन की डलनेस है, वो धीरे धीरे और भी बढ़ने लगती है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी स्किन को कितना ज़्यादा हार्म कर सकता है। आप चाहे कितने भी अच्छी क्वालिटी के मेकअप्स यूज़ कर लें, लेकिन अगर आप प्राइमर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको ब्रेकआउट्स होने ही होने हैं। तो आप जो प्राइमर आप यूज़ करेंगे, आप जेल कंसिस्टेंसी के लीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्राइमर्स आते हैं, प्राइमर ऑयल आते हैं या कुछ भी आते हैं, तो उससे ज़्यादा मैं जो बेनिफिशियल समझती हूँ, जो जेल कंसिस्टेंसी की प्राइमर्स होती हैं किसी भी ब्रांड का हो, एक अच्छे ब्रांड पे इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा सा प्राइमर यूज़ कीजिए। मैं जो यूज़ करती हूँ ये है एक कलेक्शन प्राइम एंड रेडी। अगर आप चाहें तो इस पर मैं रिव्यू कर सकती हूँ, बट आई डोंट थिंक कि अभी इंडिया में मिलता है, तो अगर आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं या इंस्टा पेजेस से मंगा सकते हैं तो वो अलग बात है, बट मैं प्राइमर यही यूज़ करती हूँ और मेरे लिए ये बेस्ट है। क्योंकि एक्चुअली जब मैं प्राइमर नहीं यूज़ करती थी और थोड़ा बहुत भी मेकअप करती थी, यानी कि अगर कोई बीबी क्रीम या ऐसा कुछ भी सीसी क्रीम लगा लिया, तब भी मेरे स्किन में बहुत ज़्यादा मुहासे, बहुत ज़्यादा दाने निकल आते थे, जो कि देखने में बहुत ही गंदा लगता था। मतलब एक दिन का मेकअप करो अच्छा देखने के लिए, उसके बाद 10 दिन तक आप पिंपल्स और एक्ने लेके भुगतते रहो, ये तो कोई सीन नहीं बनता था। तो मैंने मेकअप करना बिल्कुल, मेकअप उसको नहीं बोल सकते, मतलब वो सब लगाना भी छोड़ दिया था, बीबी क्रीम सीसी क्रीम भी लगाना छोड़ दिया था। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना प्राइमर को एक ट्राई दूँ। तो प्राइमर बहुत ही बेनिफिशियल है, आप उसको लगाते हैं तो आपके जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं मेकअप में, आप किसी भी हाई एंड का ब्रांड का मेकअप ले लो, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ तो केमिकल्स होते होंगे उसको कलर देने के लिए, उसको उस तरह का टेक्सचर देने के लिए। वो आपके पोर्स के अंदर एकदम से घुस जाता है और वो क्या करता है, पोर्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे और ज़्यादा मुहासों की प्रॉब्लम होने लगती है। तो प्लीज़ कभी भी अपने मेकअप रूटीन में प्राइमर को स्किप ना करें। आप थोड़ा बहुत भी मेकअप कर रहे हैं तो प्राइमर लगाने के बाद ही करें। उसके लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले स्टार्ट कीजिए, फेस को वॉश करने से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आप उसमें अच्छे से टैप करके ड्राई कर लीजिए, उसके बाद उसमें आप टोनर लगाइए। टोनर लगाने के बाद कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो आप लगाते होंगे डेली का, वो लगाइए, उसके बाद प्राइमर लगाइए। प्राइमर लगाने के बाद ही कोई भी फाउंडेशन, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, कंसीलर, एनीथिंग यू वांट, कुछ भी लगाइए। उसके आपकी स्किन प्रोटेक्शन में रहेगी, आपके स्किन को ब्रेकआउट्स, मुहासे कम से कम होंगे, क्योंकि मेकअप कभी भी अच्छा नहीं होता, मैं खुद अग्री करती हूँ, लेकिन हम लोग कभी ना कभी तो लगा ही लेते हैं बाहर निकलते टाइम, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, थोड़ा फ्रेश दिखने के लिए। तो प्राइमर का यूज़ करके अगर आप मेकअप करेंगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि प्राइमर इतना बेनिफिशियल क्यों है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।